तो जिम्बाब्वे की टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड T20 में एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का। जिम्बाब्वे की टीम ने गम्बिया के खिलाफ 4 विकेट के नुकसान पर 344 रन बनाए और ये T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा किसी टीम द्वारा बनाया हुआ स्कोर है। इससे पहले ये रिकॉर्ड नेपाल की टीम के नाम था। नेपाल की टीम ने मंगोलिया के खिलाफ 314 रन जो थे वो बनाए थे। इसके साथ ही जिम्बाब्वे की टीम फर्स्ट टेस्ट नेशन टीम बन चुकी है जिसने T20 में 300 का आंकड़ा जो है वो छुआ है। इससे पहले कोई भी टेस्ट नेशन टीम T20 के इतिहास में 300 रन का आंकड़ा नहीं छू पाई थी। ये इतिहास जो है जिम्बाब्वे की टीम ने सब रीजनल अफ्रीकन क्वालिफायर्स के मुकाबले जो चल रहे हैं वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन को लेकर उसमें उन्होंने रचा है। इस मैच के हीरो रहते हैं सिकंदर रजा जिन्होंने 43 गेंदों पर 133 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने 33 गेंदों पर सेंचुरी लगाई जो कि किसी टेस्ट नेशन बल्लेबाज द्वारा लगाई गई सबसे तेज सेंचुरी है। इससे पहले ये रिकॉर्ड डेविड मिलर, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज डेविड मिलर और भारत के बल्लेबाज रोहित शर्मा के नाम था। इन दोनों खिलाड़ियों ने 35-35 गेंदों पर जो था वो शतक लगाया हुआ था। यहां पर टेस्ट नेशन बल्लेबाजों की जो है मैं बात कर रहा हूं। सिकंदर रजा ने अपनी 133 रन की पारी में 15 छक्के और 7 चौके जो है वो लगाए। 344 रन का टारगेट चेस करने उतरी गम्बिया की टीम 54 रन पर ऑल आउट हो जाती है। 54 रन पर ऑल आउट होने का मतलब ये था कि जिम्बाब्वे को 290 रन के बड़े अंतर से जो है जीत हासिल हुई और इसी के साथ उन्होंने एक और इतिहास रच दिया। उन्होंने रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत जो है T20 में दर्ज की है। इससे पहले ये रिकॉर्ड भी जो था वो नेपाल की टीम के नाम था। नेपाल ने मंगोलिया को 273 रन से हराया हुआ था और अब ये इतिहास जो है रिकॉर्ड जो है वो जिम्बाब्वे के नाम पर दर्ज हो चुका है। उन्होंने गम्बिया की टीम को 290 रन के मार्जिन से हरा दिया है। इसी के साथ कई और रिकॉर्ड भी बने और इसमें एक और रिकॉर्ड था कि एक पारी में T20 की सबसे ज्यादा छक्के लगने का रिकॉर्ड। जिम्बाब्वे की टीम ने अपनी इस पारी में कुल 27 छक्के लगाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो नेपाल की टीम के नाम था। नेपाल की टीम ने 26 छक्के एक पारी में लगाए थे जो कि उन्होंने मंगोलिया के खिलाफ लगाए थे। जिम्बाब्वे की टीम ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान एक और रिकॉर्ड की बराबरी की। उन्होंने एक पारी में 30 चौके लगाने के रिकॉर्ड की जो है वो बराबरी कर ली है। ये रिकॉर्ड इससे पहले जो है वो श्रीलंका के नाम था। श्रीलंका ने 2007 में कीनिया के खिलाफ एक पारी में 30 चौके लगाए थे और अब इस रिकॉर्ड की बराबरी जो है वो जिम्बाब्वे की टीम ने कर ली है। जिम्बाब्वे की टीम ने इस पारी में कुल 57 बाउंड्रीज लगाई। इनमें चौके और छक्के दोनों इंक्लूड है जो कि एक रिकॉर्ड है। आज तक T20 के क्रिकेट इतिहास में इतनी बाउंड्रीज किसी टीम ने नहीं लगाई है। जिम्बाब्वे की टीम ने कुल 57 बाउंड्री लगाई है, इसमें चौके और छक्के दोनों इंक्लूड हैं। जिम्बाब्वे के 4 खिलाड़ियों ने 50 प्लस से ज्यादा स्कोर बनाया। ये भी T20 के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक पारी में एक ही टीम के 4 बल्लेबाजों ने 50 प्लस स्कोर बनाए हों और जिम्बाब्वे की टीम ने ये इतिहास भी जो है वो रच दिया है। सिकंदर रजा ने अपनी 133 रन की पारी की बदौलत जो है अपना 17वां मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया। इसी के साथ वह T20 इतिहास में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव हैं, उनके उन्होंने भी 16 मैन ऑफ द मैच जो है वो अवार्ड हासिल किए हैं। विराट कोहली ने भी 16 मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किए हैं। तो वही इनके अलावा वीरनदीप सिंह हैं, मलेशिया के खिलाड़ी, उन्होंने भी 16 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जो है वो हासिल किए हैं। 344 रन बने तो जाहिर है कि गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई होगी और ऐसे में गेंदबाजों के नाम गम्बिया के गेंदबाजों के नाम कुछ शर्मनाक रिकॉर्ड भी जुड़ चुके हैं। उनके गेंदबाज मूसा ने 4 ओवर में 93 रन दिए। ये किसी भी गेंदबाज द्वारा T20 की एक इनिंग्स में दिए गए सबसे ज्यादा रन है और ये शर्मनाक रिकॉर्ड जो है गम्बिया के गेंदबाज मूसा के नाम जुड़ चुका है। इसके अलावा
नामीबिया के गेंदबाजों के नाम एक और शर्मनाक रिकॉर्ड भी जुड़ा। पहली बार टी20 के इतिहास में हुआ कि एक इनिंग्स में 5 गेंदबाजों ने 50 प्लस रन जो हैं वो दिए हों। ये शर्मनाक रिकॉर्ड अब नामीबिया के गेंदबाजों के नाम जो है वो जुड़ चुका है। आप इस मैच को लेकर क्या कहेंगे और जिम्बाब्वे के इस रिकॉर्ड को कौन तोड़ सकता है? क्या आईपीएल में ये रिकॉर्ड टूट पाएगा इतने रनों का? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।